भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस मौके पर वह आगरा और बरेली में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कोहरे के चलते जेपी नड्डा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। इस दौरान नड्डा डोर टू डोर प्रचार के माध्यम से भाजपा के लिए वोट भी मांगेंगे। वहीं कोहरे के चलते जेपी नड्डा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए बड़ी रैलियों और सभाओं पर रोक लगा रखी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वह केवल 5 लोगों को लेकर डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, जनसंपर्क किया जा सकता है। ऐसे में वर्चुअल सभाओं का जोर है। यह पहली बार होगा जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी अभियान में निकल रहे हैं। नड्डा 21 जनवरी को प्रातः 10 बजे आगरा पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट चौराहा स्थित प्रसिद्ध राउली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सुबह 10:50 पर SNG गोल्ड रिसोर्ट आगरा फतेहपुर सिकरी मथुरा फिरोजाबाद क्षेत्र की विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसी स्थान पर 11:50 पर अलीगढ़ हाथरस एटा मैनपुरी क्षेत्र के विधानसभाओं के पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आज दोपहर 2:30 बरेली पहुंचेंगे। दोपहर 2:50 पर IIM हॉल बरेली में प्रमुख पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4:45 राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेली में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का अनुसरण करते हुए डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। देर शाम 7:15 बरेली जिले के विधानसभाओं के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वाइज।